फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि क्या आप जिस जॉब के बारे में पूछ रहे हैं वो आपको मिल पाएगा, क्या आप जिस बिजनेस में हैं उसमें और आप आगे तरक्की कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन आज वर्क से रिलेटेड है। तो हमारे पास ये तीन कलर्स हैं, ये रेड, पर्पल और ये वाइट स्टोन। तो इनमें से जो भी आपको रेजोनेट करता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप आंखें बंद करके मेडिटेट करके फिर आप ये तीनों में से कोई भी एक कलर या कोई भी एक स्टोन चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। तो ये रीडिंग मैं आपको मिलती हूँ फर्स्ट पाइल में, जो कि है ये रेड, देन पर्पल, देन वाइट। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया है पाइल नंबर वन। तो हो सकता है रीडिंग आपको रेजोनेट करे ना करे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो देखते हैं रेड स्टोन में क्या आया है कार्ड्स। चूज अ न्यू डायरेक्शन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, पेज ऑफ कप्स और है जजमेंट रिवर्स्ड, नाइन ऑफ कप्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हमें कार्ड्स आए हैं। अब देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स में आए हैं एट ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, एट ऑफ स्पेड, टेन ऑफ डायमंड, फाइव ऑफ डायमंड और टू ऑफ डायमंड। और इस डेक से आए हैं बॉडी वर्क, हीलर, बुक्स और स्ट्रेंथ। तो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क है। तो जैसे कि कार्ड्स में दिख रहा है, हो सकता है जो पर्सन पूछ रहे हो आप लोग टॉरस हो सकते हैं, एरीज साइन भी हो सकते हैं और पाइसिस हो सकते हैं और तो मुझे ये साइंस दिख रहे हैं, कैंसर भी हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये चूज़ किया है मुझे लग रहा है कि इनको जॉब में, जो भी जॉब से या वर्क से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है उसमें आपको कोई नया ऑफर मिलने वाला है। जैसे कि हमें पेज ऑफ कप से ये लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कुछ टाइम में। और ये भी हो सकता है पर्सनल रीडिंग में कि आपको शायद मैरिज या घर में चाइल्ड बर्थ हो, ये भी हो सकता है। देन जो हमें मिला है जजमेंट कार्ड, तो हो सकता है कि आप अपने कुछ तरह का आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो आपके काम में, या हो सकता है आपका जॉब चेंज हो, ये भी हो सकता है। एंड आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है। और बाकी जो हमें आया है नाइन ऑफ कप्स, तो अभी आप अपने लाइफ में किसी इमोशनल सिचुएशन से डील कर रहे हैं हो सकता है। तो मटेरियल सक्सेस तो आपके लाइफ में आने वाली है, क्योंकि जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स में भी आया है ये एट ऑफ डायमंड और टेन ऑफ डायमंड। भले ही ये स्लो प्रोसेस हो पर आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा आपके बिजनेस या आपके वर्क में आपको कुछ अच्छा अमाउंट, अच्छी फाइनेंशियल कुछ गेन्स होने वाली है। और ये भी लग रहा है कि जैसे सेवन ऑफ पेंटिकल्स में कि आप मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत कर भी रहे हैं। तो अभी वाला जो आपका पीरियड है थोड़ा सा आपका फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड है और आप इसमें थोड़ा सा और हार्डवर्क आपको डालना होगा, तभी आपको उसका जो पेशेंस आपने रखा है उसका एफर्ट जो डाला है आपने उसका आपको फल सही वक्त में मिलेगा। तो आपके अंदर जो क्रिएटिव और ये जो क्वालिटीज़ हैं और आपके अंदर जो आगे बढ़ने की एक आप एक एंथुसियास्टिक पर्सन है, आपको पता है कैसे पैसा या कैसे फाइनेंशियल गेन्स करना है, कैसे पैसा कमाना है, ये आपको पता है। तो
अभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको नए नए क्रिएटिव चीज़ों में भी इंटरेस्ट आ गया हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो भी मनी से रिलेटेड है, तो अभी आप जितना मिल रहा है आप उससे इतने सेटिस्फाइड मुझे नहीं लग रहे हैं। शायद वो अमाउंट कम है जितना आप डिज़र्व करते हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे होंगे। पर आगे के फ्यूचर में आप देखिए, ये जो किंग ऑफ डायमंड्स है, हो सकता है आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जो भी ऑफर्स मिल रहे हैं, तो आप चाहते हैं आपको ज़्यादा अमाउंट मिले, पर मेरे ख्याल से आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे आपको कम मिल रहा है। तो इस ये रीज़न हो सकता है कि आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो जैसे कि हमें एंजल आंसर में मिला है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आए। और क्योंकि आप ऐसे में ही दिख रहा है आपके कार्ड से कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, कि आप काफ़ी आपने मेहनत करा है और आप अब उम्मीद कर रहे हैं जो मेहनत किया है आपने उसका रिजल्ट आए। तो आपके पास कुछ ऐसे आने वाला है न्यूज़ जो आपको खुशी देने वाला है। तो चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी आप चाहे तो कुछ महीने रुक के आप वो भी कर सकते हैं। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अभी अगर आप किसी जिस सिचुएशन में हैं अगर उसमें भी आप स्टे करें तो भी आगे आप में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि हमें ये आया है, जो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हो सकता है वो किसी मेडिकल फील्ड में हो, या तो डॉक्टर हो या मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, या किसी भी तरह का मेडिसिन से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, या ऐसे कुछ चीज़ों में काम कर रहे हो, इस चीज़ों में जॉब कर रहे हो, ये हो सकता है। तो जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको उसमें ज़्यादा लर्निंग करने की ज़रूरत है, तो आपको ज़्यादा उसमें और पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसमें और समझने की ज़रूरत है। और जैसे कि हमें ये स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है, एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्गर। तो आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे और इससे आपको और भी ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। आपको खुद ही इंस्टिंक्ट आ जाएगा कि मुझे मेरे लिए क्या सही डायरेक्शन है, वो आप चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस वर्क में होने से धीरे धीरे हम उसे अपना स्ट्रेंथ बना लेते हैं। तो बॉडी वर्क, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स बॉडी वर्क सच एज मसाज थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज ट्रेनिंग। ये जनरल रीडिंग है, तो ये कई लोगों से रिलेट करता होगा। हो सकता है जैसे मैंने कहा कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई मेडिसिन से रिलेटेड कुछ लोग होंगे, तो कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि एनर्जी हीलिंग का वर्क कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जिम वगैरह एक्सरसाइज। तो ये भी हो सकता है कि आप जो फिजिकल थेरेपी होता है, जैसे कि बॉडी से रिलेटेड जो भी मीन्स हीलिंग हीलर टाइप के हैं आप, या ये भी हो सकता है कि आपके जो जो भी आपने अभी डायरेक्शन चूज़ किया है, तो आप चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो उस उन चीज़ों को लेके आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी जो आपको फाइनेंशियल जितना मिल रहा है, आपकी उम्मीद है कि आपको उससे ज़्यादा मिले, तो आपकी उम्मीद फ्यूचर में पूरी हो सकती है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं उस जैसे जजमेंट जो कार्ड आया है, तो आप वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ऐसे भी हो सकता है, कुछ लॉस हुआ है, पर्सनल लॉस हुआ है, हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, और कुछ तरह का डिसीशन है जो कि डिले हो चुका है कुछ रीजंस की वजह से, मुझे ऐसे भी लग रहा है। तो कुछ फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, तो उस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। पर आपके पास ऑफर तो आ रहे हैं, मुझे ऐसे दिख रहा है, और आपके विशेष, आपने जो मेहनत किया था, आपको उसका फ्रूट भी मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये रेड कलर चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।
ये रीडिंग इनके लिए है जिन्होंने ये स्टोन चूज किया है, एमिथिस्ट, ये पर्पल स्टोन। तो देखते हैं उनकी रीडिंग क्या है। पीसफुल रिजोल्यूशन, रिकवरी, पी असर्टिव टैरो कार्ड में आया है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, द हर्मिट रिवर्स्ड और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और फोर ऑफ स्पेड, फाइव ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ स्पेड, टू ऑफ क्लब्स और फोर ऑफ डायमंड, और इसमें आया है फ्रीडम, यू आर ऑन द राइट पाथ, इन्फिनाइट एबंडेंस, चिल्ड्रन और प्रैक्टिस। तो जिन लोगों ने ये चूज़ किया है, हो सकता है कि आप पाइसिस हो, सेजिटेरियस हो और लियो भी हो सकते हैं, लियो एनर्जी भी दिख रही है, वर्गो भी हो सकते हैं आप। तो जैसे कि हमें इसमें आया है, जो टैरो में आया है हमें सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट और हर्मिट रिवर्स्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ऐसा लगता है मुझे कि आपके वर्क प्लेस में आपका लोग जो है एडवांटेज उठा लेते हैं। तो आप पेशेंस रखिए और आर्गुमेंट से बच के रहिए और अवॉइड करिए इन डिसीशन को, मीन्स डिसीशन कहीं नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी लोग आपका एडवांटेज उठाते हैं। शायद आपने कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की हो क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ये भी हो सकता है। आपका जो टैलेंट है और आपके जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ है, ऐसे मुझे लग रहा है कि वो वेस्ट चले जाते हैं कई बार, जैसे कि मुझे ये टैरो कार्ड से लग रहा है। और आप एक ये भी लग रहा है मुझे हर्मिट कार्ड से कि आप जो पुराना जो अपना कॉन्सेप्ट्स है आप उसे चेंज नहीं करना चाहते हैं और न्यू एक्सपीरियंसेस आप लेना नहीं चाह रहे, मुझे ऐसे इन कार्ड से लग रहा है, और जिसकी वजह से कि आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और आपको अपना जो है प्राइड, जो भी ईगो है अंदर कि मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, ये वाला आपको हटाना होगा। तो आपको जो एडवाइस देते हैं और या हेल्प करते हैं लोग, तो उनसे आपको आपकी आपको उनको रिगार्ड्स देना चाहिए, उनको आपको बात माननी चाहिए जो आपके वेल विशर्स हैं उनका। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो हमें आया है एंड में, तो जो भी आपकी परेशानियां हैं वो रिकवर होने वाली है, सक्सेस आपके लाइफ में आगे आने वाली है, डेस्टिनी जो है आपकी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, कम्प्लीटली इन अ पॉजिटिव टर्न ले लेगी, आपका जो रिलेशनशिप है एज वेल एज बिजनेस में अचानक से प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी और लक्की पीरियड भी आपका शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है इन कार्ड से। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आया है जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये कार्ड, बी असर्टिव मीन्स आपको पॉजिटिव रखना है, आप गॉड पे बिलीव करिए, जो आप अभी परेशानी में चल रहे हैं वो उससे आप रिकवरी हो जाएंगे। जैसे कि मुझे ये लग रहा है फोर ऑफ स्पेड और किंग ऑफ स्पेड, हो सकता है कि आपको कोई वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा कोई परेशान कर रहा है, आपके ऊपर ज़्यादा वर्क लोड हो सकता है। तो जो भी परेशानी है, जैसे कि हमें फोर ऑफ डायमंड्स ये एंड में आया है, तो आप जो स्टेबिलिटी खोज रहे हैं अपने वर्क प्लेस में वो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपको क्या करना है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा आपके जो वर्क प्लेस में है, ऐसे मुझे लग रहा है कुछ तरह का बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, आपके किसी कोवर्कर या किसी कलीग से आपको मुझे लग रहा है बहुत प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहता कि आपको किसी तरह का बेनिफिट्स मिले, ये मुझे कार्ड से दिख रहा है। तो जो भी सिचुएशन है, आप जो मेंटली भी स्ट्रेस में हैं वो ज़्यादा आप रिकवर हो जाएंगे, आप पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए। और जैसे कि हमें इन कार्ड्स में भी आया है यू आर ऑन द राइट पाथ, जैसे इसमें भी आया है सेम कार्ड्स आए, देखिए इन सेम एंजल्स का जो मैसेज है वो आपके लिए आगे भी वही है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड इन्फिनाइट एबंडेंस। तो आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब से रिलेटेड हो,
आप ये जो नेगेटिव पर्सन है जो आपको परेशान कर रहे हैं या आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको आपको हटाना होगा, उनसे आपको फ्री होना होगा। और आपके जो वर्क है उसमें आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो स्किल्स हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए और पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, जैसे कि एंजल्स का मैसेज भी आया है, क्योंकि आप सही पाथ में जा रहे हैं। हो सकता है जो आपका वर्क है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है चिल्ड्रन से इन्वॉल्व हो सकता है आप टीचिंग में हो, या आप ये भी हो सकता है कि कुछ चिल्ड्रन से रिलेटेड ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप म्यूज़िक में हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, ये पर्पल स्टोन, उनके लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत इन्फिनाइट एबंडेंस है, तो उन्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो कि आपका आपके लाइफ में सक्सेस, अचानक से आपका डेस्टिनी ही बदल जाएगा, आप अचानक से सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अभी जो आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है उसमें कोई पीसफुल रिजोल्यूशन होगा, और जो भी आपको लॉस हुआ है उसे रिकवरी भी हो जाएगा, और आपको सिर्फ क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, बी असर्टिव। तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ये पर्पल स्टोन चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये वाइट कलर की स्टोन, मून स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं उनकी रीडिंग क्या आई है। एबंडेंस, किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स रिवर्स्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, थ्री ऑफ कप्स और एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। और एंजल आंसर में और भी आया है, आस्क योर एंजल्स सक्सेस, कॉम्प्रोमाइज, रोमांस, करियर चेंज, ट्रस्ट, न्यूट्रिशन, टॉक टू योर एंजल्स एंड लीडरशिप। एट ऑफ हार्ट, नाइन ऑफ स्पेड, जैक ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ क्लब्स, फोर ऑफ क्लब्स एंड एस ऑफ क्लब्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है वर्क से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो आगे क्या होने वाला है, तो जिन लोगों ने ये चूज़ किया है ये वाइट स्टोन, तो हो सकता है कि वो जो पर्सन है, आप लोग कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं और कैंसर भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, एरीज भी हो सकते हैं। तो जो मुझे टैरो से लग रहा है कि आपका जो काम हो सकता है, मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, किसी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो आपका, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये भी लग रहा है कि कुछ अनसेटल्ड सिचुएशन है, तो उसे आपको अपने कॉन्फिडेंस से उसे सॉल्व करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको अपने वर्क प्लेस या जो भी है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग कार डीलिंग में भी हो, मुझे ऐसा भी इन कार्ड से लग रहा है। तो ये जो मुझे लग रहा है, आपको शायद वर्क प्लेस में ग्रीफ है, हो सकता है किसी पर्सन के वजह से हो जिसके साथ आपका रिलेशन हो, तो आप इसलिए इस प्लेस को छोड़ना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। तो जैसे मुझे ये नाइट ऑफ सोल्ड्स से ये लग रहा है कि आप बहुत स्किलफुल हैं, क्लेवर हैं और बहुत स्ट्रांग भी हैं, और तुरंत आपको गुस्सा भी आ जाता है कई बार, तो अचानक से आप रिएक्ट कर देते हैं चीज़ों पे जो आपको अपने वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। और
हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में, क्योंकि हमें रिलेशनशिप वाला कार्ड्स भी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में थोड़े इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रहे हो, जिसके वजह से आपके वर्क प्लेस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है आपके कोई कोवर्कर से आपका रिलेशनशिप बन गया हो, जिसकी वजह से आपको वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और फिर जैसे हमें ये फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड मिला है, हो सकता है किसी ने हो सकता है आपका जो है कुछ लॉस हुआ है, कुछ आपके लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आ रहा है, मुझे डिफ़िकल्टी आया है मुझे ऐसा लग रहा है। और आप काफ़ी, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप अकेला सा फील कर रहे हैं, तो आप पेशेंस रखिए। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो। और जैसे मुझे थ्री ऑफ कप्स से लग रहा है कि किसी तरह का आपके लाइफ में सेलिब्रेशन और या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके वर्क प्लेस में आने वाली है, तो ये कार्ड जो है हीलिंग का कार्ड है, तो हो सकता है आप जिस परेशानी में अभी हो आप उससे हील हो जाएं, ये हो सकता है। आप अभी अपने जो फ्यूचर में, मुझे लग रहा है कि आपका धीरे धीरे जो ये ग्रीफ है वो कम होने वाला है, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, इस पर्सन से रिलेटेड हो, क्योंकि वर्क रीडिंग के साथ ये एक हमें कुछ अफेयर टाइप का भी आ गया है, तो वो उसका भी हम पढ़ लेते हैं। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे भी हो रहा है, सब कोई ऐसे हो आपको फ़ायदा लेके फिर चला गया हो, सेल्फिश टाइप का कोई पर्सन आपके लाइफ में आया है, जिसकी वजह से आप बहुत मेंटली, मुझे बहुत लग रहा है आप डिस्टर्ब हैं, पर आपको डिस्टर्ब होने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आपके ऊपर जो बंधन था आप उसे मुक्त होने वाले हैं। आप अपने फियर्स को साइड में रख के आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमें इससे भी मिला है रोमांस एंजल में, आपके लाइफ में अबंडेंस सक्सेस आने वाली है, साथ में आपके वो शायद कोई रोमांटिक पार्टनर भी मिलने वाला है आपके वर्क प्लेस में, मुझे ऐसे लग रहा है। तो कुछ आपका जो काम है हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, तो जो भी है आपको थोड़ा सा अपने, जैसे मैंने कहा नाइट ऑफ सोर्ड्स, कि आप बहुत इम्पल्सिव है, अचानक से रिएक्ट करते हैं, तो वो आपको उस सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। तो जैसे हमें दो बार ये आया है कि आस्क योर एंजल्स एंड टॉक टू योर एंजल्स, तो आप जो भी अपने अंतरात्मा से, अपने हायर सेल्फ से आप बात करिए फॉर गाइडेंस, कि मुझे गॉड से प्रे करिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, गॉड आप मुझे बताइए। तो ये वाला इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, मुझे इस कार्ड से भी लग रहा है। तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने फीलिंग्स पे, गट फीलिंग जो आपकी आती है, तो उसमें आपको ट्रस्ट करना चाहिए। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप अपना करियर चेंज करें, तो अगर आप करियर चेंज भी करते हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप राइट पाथ चूज करेंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर में सक्सेस और एबंडेंस मुझे दिख रहा है। तो मेन जो आपका एंडिंग कार्ड है कम्युनिकेशन है, और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, अगर आप जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो आपका कुछ करियर चेंज होने वाला है, आप कुछ अच्छा और डिजर्व करते हैं वो आपको मिलने वाला है, एबंडेंस आने वाला है और सक्सेस भी मिलने वाला है। तो मैंने जैसे कहा न्यूट्रिशन कार्ड से कि हो सकता है फूड इंडस्ट्री में हो, इसमें कई सारे ऐसे आए हैं, फूड इंडस्ट्री में भी हो सकते हो आप, कोई कार डीलिंग के काम में भी हो सकते हो, प्रॉपर्टी में भी हो सकते हो, ये मुझे इन कार्ड से लग रहा है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, फ्यूचर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको जो भी वर्क प्लेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व होने वाली है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये वाइट कलर चूज़ किया था, वाइट कलर के क्रिस्टल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।